بسم الله الرحمن الرحيم وفوز امري الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون अल्लाजी लाद्रकहू वहम वलानालू गौसुलफ़त अल्लीलासासफ़ते हद महदूद वला नातुम मौजूद वला अजलोम ममदूद फ़तर अलखलायुदरत व न शर आ बहमत वसूरी माया दाना अर्ज सलब ثم الصلاة والسلام على سيد السقلين نبي الحرمين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم قال कलल्ला तबारक व في كتابه المبين هو أصدق القائلين وقوله الحق कल किताब لا रैबा فيه दरूर पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद महब्बा ने मुहमद वाल महमद आशा अली व बतूल हम और आप खुशकस्मत हैं और अपनी किस्मत पर हर आन नाजा हैं फ़ख्र करते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमारी किस्मत में आजाए इमाम आली मकाम लिख दी हुसैन इबिन अली फ़कत तारीख़ का एक किरदार नहीं हुसैन इबन अली फ़कत एक शख्सियत का नाम नहीं हुसैन इबिन अली वो इनकलाब है जो हमेशा तारीख़ के सफ़ात को रोशन करता रहेगा। हुसैन इबन अली उस शख्सियत का नाम है कि जब मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम मेरे आका इस हस्ती का जिक्र फरमाते हैं तो फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन कहने को एक जुमला है लेकिन वो हस्ती जो अवलिन व आख़रीन की तमाम ख़ूबियों का मजमू है वो हस्ती जो सैदल्बिया भी है वो हस्ती जो सैदुलमरसल भी है ख़ातिमानबीन भी है वो हस्ती जो खुदा की हबीब व महबूब हस्ती है वो हस्ती जब किसी के बारे में फ़रमाती है कि हुसैन उमनी हुसैन मुझ से है व अना मिन तो हमें अंदाज़ा होता है कि हुसैन का मक़ाम क्या है ये हस्ती के जो खुद भी रसूल से है और रसूल फरमाते हैं कि मैं भी हुसैन से हूँ और आप जानती हैं कि कहने वाले ने ताकयामत ऐसे जुमले मेरे और आपके आका की शान में कह दिए कि अब दुनिया कुछ भी करती रहे ऐसे जुमले किसी और की शान में कहीं नहीं मिलेंगे क्या कहा कहने वाले ने कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन इससे आगे तो बढ़ने की हम में ताकत ही नहीं है कहने वाले ने इतना कह दिया कि हम इसी मकाम पर रुक जाते हैं और बस अपने आप को यह याद दिलाते हैं कि ये वो है जिसे दीन कहा गया और इनके बाबा वो हैं जिन्हें कुल्ले ईमान कहा गया अब ईमान वाले जानते हैं कि हमारे लिए फ़कत दो ही राहें हैं या तो दीन है या ईमान है इनके बाबा से कोई मुंह मोड़ता है वो ईमान से निकल जाता है कहिए तो यूँ कह दूँ कि जो ईमान से मुंह मोड़ता है वो बेईमान कहलाता है जो इनसे मुँह मोड़ लेता है वो दीन से निकल जाता है कहिए तो यूँ कह दूं कि जो हुसैन से फिरा आ, वो दीन से फिर गया वो बेदीन हो गया तो मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि यहां बैठते हैं हमारा ईमान भी सलामत है हमारा दीन भी सलामत है यार या मुहम्म्ण मुहम्म्ण और इसीलिए इस हस्ती का फैज है कि दुनिया के कोने कोने में मकतबे हुसैनी हुसैनियों की तरबियत का इंतजाम करता रहता है फकत हम और आप वो खुशकस्मत कौम है कि जिसके पास सारा साल ये तरबियत गाह मौजूद रहती है और खूसा ये अय्याम दुनिया समझती है कि हम फ़कत रोने के लिए बैठते हैं ये अलग बात है कि और आप जानते हैं इन आंसुओं की कीमत क्या है हम और आप जानते हैं कि ये रोना बारगा इलाही में क्या वक्त रखता है लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस मकतब से जो कुछ सीखने को मिलता है हमारी जान क़ुरबान हमारी नस्लें इस मकतब से वो सीखती हैं जो दुनिया सारा साल किताबें पढ़ कर भी नहीं सीख पाती है हम और आप यहाँ खसूस इन अम में सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान फ़हमी के, के शूर को किस तरह से बेदार किया जा सके हमारा मौजू कुरान शनासी और दौरे हाज़िर के मसाइल हम मुसलसल सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क़ुर मजीद से किस तरह से मुस्तफीज़ हुआ जा सके किस तरह से इसके फैज़ से फ़ायदा उठाया जा सके किस तरह इस किताब बाबरक़ात से मुस्तिद हो सकें हमें किस तरह इसके फैज़ मिल सकें और अब तक की गुफ्तु में हमने चंद बुनियादी निकात पर ग़ौर किया हम एक बात बार बार अपनी बच्चियों अपनी बहनों की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि कुरान की वकत को पहचानना कुरान करीम को पहचानना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि जब तक मालूम ही नहीं होगा कि इस किताब की कदर वीमत क्या है मैं और आप इसे कभी वह अहमियत नहीं दे सकते जो हमें देनी चाहिए ये वो किताब है कि जिसे खुदावंद आलम ने अपने आखिरी नबी पर हिदायत की आखिरी किताब बनाकर नाजिल किया है कुरान वो किताब है जिसे आखिरी किताब होने का एजाज हासिल है खुदावंद आलम की तरफ से जैसे मेरे और आपके नबी को आखिरी नबी होने का एजाज हासिल है उसी तरह कुरान करीम को आखिरी किताबें मुकदस होने का एजाज हासिल है हम और आप जानते हैं जो बातें आखिर में कही जाती हैं मूमन बहुत अहम होती हैं इसलिए कि कहने वाला जानता है कि ये कहने का आखिरी मौका है अब जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका एक एक लफ्ज़ अहम है इसलिए कि अब इसके बाद और कुछ नहीं कहना जिन जुमलों पर मैं और आप अपनी बात ख़त्म करते हैं हम चाहते हैं हमारी बात मुकम्मल हो जाए तो वो जो हाकिम कुल है वो जो तमाम हमतों का जानने वाला है वो जो हर चीज़ को पहचानने वाला है वो जब किताबें को भेजता है तो यकीन इतना मुकम्मल करके भेजता है यकीन उस कमाल के दर्जे पर भेजता है कि अब इसके बाद किसी किताब की जरूरत नहीं रहती है हम और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई बादशाह दुनिया का कोई बड़ा लीडर कोई बयान जारी करता है कोई लेटर लिखता है कोई खत लिखता है पूरी दुनिया में शोर मचता है कि जरा देखें क्या लिखा है लिखने वाले ने पता तो करें कि क्या बताया है आज दुनिया को कोई नया कानून आ जाता है हमारे आप जानते हैं जानने की फिक्र होती है कि देखें हमें कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कौन से फायदे हमें मिलने वाले हैं कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें मना कर दिया गया है ऐसा ना हो कि हम वो काम कर लें और यहाँ की जुबान में कहूँ कि अगर ट्रैफिक के कवानीन हैं तो सबको फिक्र होती है कि टिकट मिल जाएगी हमें तो पता ही नहीं था इस रोड पर चेंज कर दिया गया पहले थर्टी माइल की हद थी अब यहाँ पर गाड़ी जो है वो 20 मील की रफ्तार से ज्यादा नहीं चलानी है और आप जानती हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो हम ये उज्र पेश नहीं कर सकते कि हमें तो मालूम ही नहीं था इसलिए कि जो अथॉरिटीज जो इदारे ये नाफिज करते हैं कवानीन वो साथ ही आपसे कहते हैं कि मालूम करना तो आपका फर्ज था आपको मालूम होना चाहिए था तो अफसोस की बात यह है कि वो जो मेरे और आपके खुदा आलम ने इस किताबे मुकदस में बता दिए जिनकी खिलाफ वर्जी से फकत दुनिया का नुकसान नहीं होता है आखिरत तबाहो बर्बाद हो जाती है उन्हें जानने की मुझे और आपको फिक्र ही नहीं फिर हम और आप बेनिफिट्स जानने के लिए परेशान रहते हैं कहीं कोई नया कानून आए पूछते फिरते हैं ज़रा देख लो कौन सा फ़ॉर्म भरना है ज़रा देख लो किस तरह ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे वो बेनिफिट्स जो कुरान में मौजूद हैं जो मेरी दुनिया को संवारने के लिए भी हैं मेरी आख़रत को संवारने के लिए भी हैं मेरे जैसे कभी कोशिश ही नहीं करते हैं कि इस किताब में देख लें कि वो कौन से फॉर्म भरने और वो फॉर्म कभी हाथ से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अमल से भरने होते हैं परवरदिगार आलम जो हमें हुक्म देता है अपने अमल में نافذ करना होता है किसी के लिए हमें मोहताज होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कुरान पढ़ते जाइए और जिन पर कुरान नाजिल हुआ उनके अमल में देखते जाइए क्या करना है इससे आसान कुछ हो नहीं सकता लेकिन दुख की बात यह है कि मैं और आप इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं फिर हमने अब तक की गुफ्तु में अर्ज किया कि मेरा और आपका कुरान को देखने का जाविया अब तक फ़कत इतना रहा कि कुरान को पढ़कर बरकत हासिल करना है कुरान को पढ़ कर मैंने और आपने सवाब हासिल करना है इनशाला कल की गुफ्तु में इस पर हम गौर वफिक करेंगे कि क्या खुदावंद आलम ने यह किताब इसलिए भेजी थी कहीं कुरान में लिखा है कि कुरान को पढ़ो सवाब ले लो कुरान से ही मालूम कर रहे हैं ना कि कुरान को पढ़कर मिलेगा क्या तो इनशा कल की गुफ्तु में हम इस पर तफसीली ग करेंगे आज की हद तक फकत इशारतन अपनी पिछली मारूजा को मुकम्मल करना चाहती हूं कि मैं और आप बार बार इस पर गौर कर रहे हैं कि मैं और आप फकत सवाब पर आकर टिक जाते हैं सवाब मिलेगा अब तक की गुफ्तु में हमने सीखा कि सवाब की अहमियत उस चॉकलेट से ज्यादा नहीं है जो मैं और आप किसी बच्चे को ऑफर करते हैं किसी बच्चे से कहते हैं कि होमवर्क कर लो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा अच्छा अभी भी अगर बात वाजे ना हुई हो तो आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये जो सवाब है इसका फलसफा हमें किसने बहुत अच्छे से समझा दिया है मौलाए कायनात अमीरुल उलमीन अली अब अबी तालि मेरे आका का वो फरमान के जिसमें मेरे और आपके मौला फरमाते परवर दिगारा मैंने तेरी इबादत जहन्नुम के खौफ से नहीं की है मैंने तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं की है मैंने तुझे इबादत के लायक पाया है तो तेरी इबादत की है अब अली वालों को अली का नाम लेने वालों को इसके बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है मेरे मौला ने फलसफा इबादत बयान कर दिया कि इबादत करो तो इसलिए करो कि वो खुदा सजावार है वो खुदा डिजर्व करता है कि पेशानी फकत उसके सामने झुकाई जाए परवर आलम ने मुझे और आपको बहुत शर्फ बख्शा है बहुत अजमत बख्शी है ये इंसान की पेशानी हर किसी के सामने झुकनी नहीं चाहिए और फिर याद दिलाती चलूँ कि फ़कत फिज़िकली झुकाने की बात नहीं है फकत ऐसा नहीं है कि मैं और आप सजदा करते फिरें तो पता चले किसके सामने सर झुका रहे हैं मेरे और आपके आमाल बता देते हैं कि सजदा किसे किया जा रहा है यह दिल किसकी तरफ झुक रहा है कहने को जुबान पर खुदा का नाम रहता है, कहने को कहती हूं, खुदा देने वाला है। जरा सी मुश्किल आती है अक्सर अर्ज करती हूं कि झूठे सहारे तलाश करते हैं कोई काम कहीं फंस जाए सबसे पहला ख्याल क्या आता है जरा देखो कौन काम निकलवा सकता है जरा देखो कौन करवा सकता है अगर खुदा याद रहेगा तो सबसे पहले दो रखत नमाज पढ़ूंगी खुदा की बारगाह में अपनी अर्जी पेश कर दूंगी अब वो जाने उसका काम जाने वसीले बनाने वाला वो है सबब बनाने वाला वो है बंद दरवाजों को खोलने वाला वो है मैं क्यों परेशान होती हूं परेशान तो वो होता है जिसका कोई वारिस मौजूद ना हो अच्छा अपनी बच्चियों के लिए इस तरह बयान करती हूं कि देखिए दुनिया में कोई किसी बड़े का जानने वाला हो कोई किसी दौलतमंद का जानने वाला हो हम और आप जो पाकिस्तान इंडिया से ऐसे ममालिक से आए हम जानते हैं कि किसी बड़े से जरा सी सलाम दुआ हो जाए तो हम बड़े फख्र से कहते हैं आपको मालूम नहीं हमारे चचा कौन है आपको मालूम नहीं हमारे बाबा कौन है तो मैं और आप क्यों भूल जाते हैं कि हमारा खुदा कौन है जब किसी मुश्किल में पड़े तो क्यों नहीं सोचते उस मुश्किल से मुखातिब होकर क्यों नहीं कहते कि तू जानती नहीं है मैं किसका बंदा हूँ तू जानती नहीं है मैं किसकी कनीज हूँ तू जानती नहीं है मैं किसका नाम लेती हूँ अभी नाम लूंगी वो खुदा सबब भी बना देगा वो खुदा बंद दरवाजे भी खोल देगा और ये फकत मैं नहीं कह रही हूं आप जानती हैं कुरान में खुदा वंद आलम का ऐलान मौजूद है ए मेरे हबीब जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें उनसे कहिए कि मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं खुदा आलम ने यह ऐलान फरमा दिया है और अक्सर अर्ज करती हूं कि कोई ऐसा नहीं कहता है कोई कितना बड़ा हो जाए देता रहेगा एक वक्त ऐसा आता है या तो दरवाजे बंद हो जाते हैं भाई हमारे पास खत्म हो गया या फिर ऐलान होता है कि आपको बहुत दे दिया गया अब दूसरों को मौका दीजिए मेरा और आपका खुदा ऐसा है मांगती रहिए उसके खजाने में कमी नहीं आती है वो कभी नहीं फरमाता है कि बस तुम्हें बहुत दे दिया जब से तुम दुनिया में आए हो दिए चला जा रहा हूं बस अब जाओ नहीं वो पसंद फरमाता है कि मैं अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे में उससे मांगू किसी और की तरफ ना देखूं वो वाहिद ऐसा खुदा मेरा और आपका खुदा है हमारा और आपका रब है हमारा और आपका पालने वाला है कि उसे पसंद है अच्छा जब देने की बात आती है लेने की बात आती है तो अफसोस इस बात पर होता है कि किसी के पास कुछ देख लिया मैं और आप परेशान हो जाते हैं हम कहते हैं अल्लाह इन्हीं को नवाज रहा है सारा फजल इन्हीं पर हो रहा है हम तो इतना मांगते हैं हमें तो देता ही नहीं हम तो मांगते हैं हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती हैं उस वक्त हैरत इस बात पर होती है कि क्या देने वाला वो है कि माज अल्लाह उसके खजाने खत्म हो जाएंगे मैं और आप ईमान रखते हैं सारी खुदाई उसकी है जमीन और आसमान उसका है तो देने दीजिए यह फिक्र मुझे और आपको क्यों होती है कि उसे मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा उसे जो मिलेगा उसका हिस्सा मिलेगा मुझे और आपको मेरा हिस्सा यकीनन मिलेगा इसलिए कि देने वाला वो है कि उससे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं दुनिया वाले देते हैं ना तो यह फिक्र भी होती है कि किसी को दो दे देंगे किसी को चार दे देंगे किसी को पांच देंगे जैसा हम अक्सर कहते हैं, चेहरा देख देख कर दे रही थी आप बताइए आप जानती हैं ये जुमला हम सुनते हैं चेहरे देख देख कर दिया जा रहा था भाई क्या करें वो खुदा ऐसा इंसाफ करने वाला है वो जानता है कि आपको कितने की जरूरत है ये पहचानना मेरा और आपका काम है इसलिए कि उसे मालूम है मुझे कितना चाहिए उसे मालूम है कि मुझे कितने की जरूरत है मुझे बस अपना दामन फैलाकर उसके सामने आना है फिर हम और आप जब इस कुरान करीम को पढ़ते हैं ना तो मैं और आप बस पढ़ रहे हैं कभी नहीं देख पाते कि इस कुरान में अगर खुदा वंद आलम खुद फरमाता है कि हर खुश को तर मौजूद है तो क्या ऐसा है कल आपकी खदमत में अर्ज़ किया था कि तमाम मिलू है फकत पढ़ने की ज़रूरत है फ़कत देखने की ज़रूरत है और यह भी एजाज़ है इस किताब मुक़दस का कि दुनिया का कोई इंसान कोई किताब लेकर बैठे और हम देख लें कि किताब साइंस से मुतालिक है और हम उससे कहें कि फलसफे के बारे में इसमें क्या लिखा है तो आप जानती हैं पलट कर क्या कहेगा फलसफे की किताब थोड़ी है साइंस की किताब है कोई मैथ्स की किताब लेकर बैठा हो उससे जरा पूछिए कि इंग्लिश ग्रामर के बारे में क्या लिखा है वो कहेगा जब ग्रामर की किताब ही नहीं है तो इसमें वो कैसे हो सकता है हम और आप जानते हैं कुरान वाहिद किताब है कि जिसके हर लफ्ज पर मुझे और आपको गौर करने की जरूरत है करने वालों ने किया ऐसा नहीं कि करने वालों ने नहीं किया जो चंद खुदा के मुंतखब बंदे हैं उन्होंने इसी कुरान की आयतों से जमीनों आसमान के ऐसे राज निकाल कर मेरे और आपके सामने पेश किए हैं कि मैं और आप हैरान रह जाते हैं फिर हम सोचते हैं अच्छा कुरान में यह भी लिखा था फ़कत नमूने के लिए आप जानती हैं कि हम अपनी गुफ्तगु में कोशिश कर रहे हैं कि चंद नमूने शामिल करते रहें तो वो आया मुबारक जो सूर अन की आयत नंबर फिफ्टी नाइन है उस आय मुबारक में और बताती चलूं बच्चियों के लिए कि ये वही आया मुबारक है जो मैं और आप नमाज गफेला की दूसरी रकत में पढ़ते हैं अलहमद के बाद नमाज गफैला बहनें जानती हैं बच्चियों के लिए अर्ज़ कर दूं वो नमाज है दो रकत नमाज है मग़रब और इशा के दरमिया वक्त में पढ़ी जाती है इस नमाज के लिए उलमा बयान करते हैं कि ऐसी पुर असरार नमाज है कि अपनी ज़िंदगियों में मैं और आप शामिल कर लें तो इसकी बरकतें मैं और आप शुमार नहीं कर सकेंगे दुनिया की हाजतें आखरत की हाजतें जो कुछ मांगना है मांग लीजिए इतनी पुर असरार नमाज है तो इस नमाज में दूसरी रकत में सूरह अनआम की आयत नंबर उनसठ फिफ्टी नाइन आप जानती है, आयत शुरू होती है हो ठीक है उन चाबियों के जिक्र से बात हो रही है कि जिन चाबियों के मालिक का जिक्र हम कर रहे हैं इसमें दरमियान में एक जुमला आता है वमा में इल्ला कोई पत्ता भी गिरता नहीं है जिसे वो जानता ना हो आप देखिए इससे जुजई बात नहीं हो सकती है हम अक्सर बात करते हैं ना कि बिल्कुल खोल के बात बयान करना बिल्कुल निचले लेवल पर आकर बिल्कुल खोल कर जुजियात बता देना वो फरमाता है कि कोई पत्ता ऐसा नहीं गिरता है कि उसे खबर ना हो अब जरा सोचिए कितने पत्ते हैं दुनिया में सोच के देखिए एक लम्हे के लिए इसलिए कि उसने मेरे और आपके लिए ये नुकता इसलिए बयान किया है कि मैं और आप गौर करें कितने पत्ते हैं दुनिया में कितने दरख्तों पर कितनी आंधियां दिन रात चलती हैं कितने पत्तों को गिराती हैं हम और आप तो इस मुल्क में देखते हैं जगह जगह पत्ते पांव में आ रहे होते हैं वो फरमाता है कोई पत्ता ऐसा नहीं जो गिरता है तो उसे इल्म नहीं होता है अब आप बताइए वो खुदा आलम जिसे हर पत्ते के गिरने का भी इल्म है अगर मैं तन्हाई में बैठकर उसकी याद में आंसू बहाऊंगी अगर मैं तनहाई में बैठकर उसका कर्ब मांगूंगी क्या उसे मालूम नहीं होगा क्या उसे पता नहीं चलेगा वो बतला रहा है उसे पत्तों का इल्म है और पत्तों में आप जानती हैं कुछ पत्ते बड़े होते हैं कुछ पत्ते तो बहुत छोटे होते हैं उसने यह तखसीस नहीं की है कि फकत बड़े पत्तों का पता चलता है हर पत्ता वो फरमाता है कोई पत्ता नहीं गिरता जिसे वो जानता ना हो हर छोटा बड़ा पत्ता उसके इल्म में है तो क्या मेरे जैसा गुनाहगार उसके इल्म में नहीं है क्या वो नहीं जानता कि मैं और आप यहां बैठकर और हमारे सुनने वाले अपने अपने घरों में बैठकर उसका जिक्र सुन रहे हैं एक लम्हे के लिए अपने दिलों में खुदा वंद आलम की इस मोहब्बत को महसूस कीजिए आइये मिलकर कहते हैं परवरदिगारा हमें अपनी मोहब्बत की हलावत दे दे परवरदिगारा हमें वो मोहब्बत नसीब फर जो उन्हें नसीब थी जो सारी सारी रात सजदों में गुजार देते थे सारी सारी रात नमाजों में गुजार देते थे इसीलिए तो जब मैं और आप पढ़ते हैं या सुनते हैं कि मौलाए कायन अबी तालब मेरे और आपके आकाश सारी रात नमाज पढ़ते थे रिवायात में है कि एक हजार रकत नमाज पढ़ते थे मैं और आप हैरान हो जाते हैं एक हजार रकत नमाज इसलिए अली इब्ने अबी तालिब उस हलावत को मह, महसूस कर सकते थे जो जिक्र खुदा से हासिल होती है खुदा को याद करने से खुदा का जिक्र करने से दिल को जो खुशी मिलती है वो इन्हें मिलती थी और इससे आगे एक कदम बढ़ते हैं एक हस्ती वो भी है कि जब रात को खुदा की इबादत के लिए खड़े होते हैं तो वो खुदा जो पूरी दुनिया से इबादत का मतालबा करता है इस हस्ती से कहता है या ए मेरे हबीब रातों को जागा कीजिए लेकिन जरा आराम भी कर लिया कीजिए आप देखिए क्या मकाम है इधर खुदा की मोहब्बत का आलम यह है कि हबीब खुदा सारी सारी रात खुदा की इबादत में गुजारते हैं पाए मुबारक पर वरम आ जाता था पाँव सूझ जाया करते थे मेरे और आपके नबी के और उधर खुदावंद आलम अपने हबीब की इन अदाओं को देख कर फरमाता है मेरे हबीब जरा सा आराम भी कर लिया कीजिए हमारी जाने क़ुरबान हमें सिखाने वाले बताने वाले और ने अहले बैत मैं और आप सीख रहे हैं ना जानने की कोशिश कर रहे हैं यही आया है मुबारका इसमें परवर आलम एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाता है हब्बा हब्बा कहते हैं बीज को सीड को वो फरमाता है जमीन में कोई बीज ऐसा नहीं है कि जिसे परवर आलम जानता ना हो फिर कहूं कि मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते कितने ऐसे बीज होते हैं जिन्हें हवाएं उड़ा देती हैं और वो दुनिया में कहां जाकर जमीन पर गिरते हैं कितना अरसा गिरे रहते हैं जब तक उनकी नश्व नुमा का इंतजाम नहीं होता है जब तक उन पर पानी नहीं पड़ता है खुदांद आलम फरमाते है, मुझे एक एक बीज का पता है एक एक बीज का जानने वाला एक एक पत्ते का जानने वाला इसी आया मुबारक का अख्ताम होता है कि वला रत बेम वला फी मुबीन कोई खुश को तर ऐसा नहीं अच्छा खुश्क तो समझ में आ जाएगा तर तर से मुराद क्या फकत नदी नाले हैं क्या तर से मुराद फ़कत दरिया है क्या तर से मुराद फकत, फकत समुंदर है नहीं अजीज़ान तर से मुराद वो आंसू भी है जो मेरी और आपकी आंख से उसकी याद में बहता है तरसे मुराद वो आंसू भी है जो कोई गुनाहगार मुसल इबादत पर अपने गुनाहों के खौफ से बहाता है तरसे मुराद हर वो चीज है जो खुदा वंदे आलम के में है मुझे और आपको बस उसे याद करने का सलीका सीखना है मुझे और आपको उसे याद करने का तरीका सीखना है और इसीलिए अक्सर अर्ज करती हूं कि मैं और आप परेशान हो जाते हैं किसी ने हमारा दिल दुखाया हम चार लोगों से कहते फिरते हैं हम क्या चाहते हैं हम कहते हैं लोगों को पता तो चले ये कैसी हैं आप क्यों परेशान हो रही हैं जिसे पता चलना चाहिए था उसे पता चल गया आपका केस खुदा की बारगाह में पहुंच गया आपके लिए हुक्म है कि माफ कर दीजिए आपके लिए हुक्म है कि भूल जाइए अच्छा ये फलसफा भी आज सीख लेते हैं सीखने की कोशिश करते हैं कि भूलने का हुक्म क्यों है माफ करने का हुक्म क्यों है इसलिए क्योंकि मेरा और आपका दिल बड़ा कीमती है आप जानती हैं ये दिल वो जगह है कि जिसके लिए खुद वो फरमाता है कि दिलों में खुदा रहता है मोमिन के दिल की को खाना काबा से बुलंद बताया गया है अब जब ये इतना बुलंद दिल है इतना बुलंद मकाम हो आप देखिए कोई बहुत अच्छा सा बर्तन हो और उसमें दुनिया जहान के कंकर रख दिए जाएं कोई खराब सी चीज रख दी जाए तो मैं और आप क्या कहते हैं कि इस काबिल नहीं था कि ये चीजें इस काबिल नहीं थी कि इस अच्छे से बर्तन में रखी जाती ये आबगीना इस काबिल नहीं है कि आम चीजें रखी जाएं, इसमें तो कोई खास चीज रखी जानी चाहिए तो मेरे और आपके दिल का आबगीना मेरे और आपके दिल का मकाम यह है कि इसमें फकत खुदा को होना चाहिए उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए इसीलिए कहा गया कि तुम तो माफ कर दो तुम तो भूल जाओ वो जो कुछ नहीं भूलता है वो याद रखेगा की आयत है माँ कान का नसी तुम्हारा परवर भूलने वाला नहीं है जब वो भूलने वाला नहीं है जब वो मेरा हिसाब किताब रखने वाला है तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है ले लिया है वही याद रखेगा मेरे हर दुख की दवा करने वाला वही है मेरे लिए हर बंद दरवाजा खोलने वाला वही है परवरदिगार आलम मुझे तौफीक दे के मैं याद रखू और क्या याद रखूं क्या मौलाए कायनात गालिब अला कुल्ले गिब अली अब अबी तालिब याली याली मेरे और आपके आका ने जो फरमा दिया अब उसके बाद तो गुंजाइश नहीं रहती है मेरे मौला ने क्या फरमाया मेरे मौला फरमाते हैं मैंने अपने दिल में फ़कत खुदा को रख लिया और उसके बाद इसके दरवाजे पर आकर बैठ गया मौला के फरमान का मफहूम है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ कि मेरे मौला फरमाते हैं कि दिल में बस खुदा है और मैं अब दरवाजे पर आकर बैठ गया अब इसके बाद किसी को अंदर नहीं आने देता हूँ मेरे और आपके दिल में क्या है किसी ने कुछ देना है वो भी दिल में उठाए फिरते हैं किसी के लिए कोई शिकायत है वो भी दिल में उठाए फिरते हैं अजीजा आइए माफ़ कर देते हैं ताकि दिल खाली हो जाए ताकि इसमें इबादत खुदा की लज्जत आ सके ताकि इसमें मोहब्बत इलाही की लज्जत आ सके और समझाने वालों ने तो किन किन तरीकों से समझाया है तारीख में एक किरदार है कि जिन्हें बहलोल दाना कहते हैं आप जानती हैं सब आगा हैं बहलोल के बारे में एक वाकया मिलता है कि बहलौल एक मरतबा कब्रुस्तान में बैठे थे सेमेट्री में बैठे थे एक कब्र में अपनी टांगें डालकर बैठे हुए हैं अपने पाँव डालकर अब शहर वाले जो गुजरते हैं वो देख रहे हैं दीवाने के नाम से मशहूर थे आप जानती हैं मोहब्बत अहल बैत में इस फरजाने ने अपने आप को दीवाना कहलाना मंजूर कर लिया था वो जिनके बातिन की आँख खुल गई थी उन्हें समझ में आ गया था कि दुनिया वालों के पास जो अकलें हैं वो ऐसी कम तर अकले है कि इनकी जरूरत नहीं है इनके सामने दीवाना ही काफी है अच्छा अब बहलोल बैठे अपनी टांगे कब्र में डालकर बैठे हुए हैं एक साहब गुजरे पूछते हैं ऐ दीवाने यहां बैठा क्या कर रहा है शहर में क्यों नहीं आ जाता आप जानते हैं उस जमाने में शहरों से बाहर कब्रिस्तान बनाए जाते थे कहा जा कहा गया कि भाई शहर में क्यों नहीं आ जाता अब बहलोल ने जो जवाब दिया जरा सा गौर कीजिएगा बहलोल जवाब देते हैं शहर में जाकर क्या करूंगा शहर वाले तो एक एक करके यहीं आ रहे हैं आप बताइए कितनी हिकमत है इस जवाब में मैं और आप दुनिया के लिए मरे जा रहे हैं भूल जाते हैं कि जाना एक दिन वहां है ठिकाना वो है अच्छा आगे अब वो शख्स हैरान हो रहा है कि क्या जवाब दिया इधर से बहलोल का बयान जारी है क्या फरमाते हैं फरमाते हैं देखो यहाँ कितने अच्छे लोग हैं ना कैसी अच्छी फजा है ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है ना किसी की है ना किसी की चुगली है ना कोई चोरी है ना कोई हसद है ना कोई कीना है कोई बुराई नहीं है देखो यहाँ के लोग कितने अच्छे लोग हैं इनके पास बैठकर अच्छा लगता है इतने अच्छे हैं कि अगर दुश्मन भी आ जाए अपने पहलू में खुशी से जगह दे देते हैं आप देखिए बता दिया कि दुनिया की बेसबाती ऐसी है मेरा और आपका एक दिन हशर यह होने वाला है कि ये जो आज हम कहते हैं ना इनके पास नहीं बैठेंगे नहीं नहीं इनके पास तो जाना ही नहीं है इनसे तो बात ही नहीं करनी है कोई मालूम नहीं कि परवरदिगार आलम कब्रोस्तान में मुझे आप, मुझे आप और आपको उन्हीं के बराबर में जगह दे दे इसीलिए बार बार दुआ करनी चाहिए कि खुदा वंदे आलम हमारा खात्मा बिल खैर करे हम जिनके साथ दुनिया में रहना पसंद करते हैं आखिरत में उनके साथ परवरदेगार हमें रहना नसीब फरमाए जिनके जिक्र में हमें दुनिया में मजा आता है खुदा हमारी किस्मतों को इतना बुलंद कर दे कि आखिरत में हमारा वक्त उनके कदमों में गुजरे अच्छा बहलोल का जिक्र आ गया तो एक और वाक अपनी बच्चियों की खिदमत में अपनी बहनों की खिदमत में अर्ज करती चलू कि बहलोल एक मरतबा फिर किसी ने देखा कि कब्रस्तान में बैठे हैं अच्छा बार बार लोग मुशाह करते थे कि कभी कब्रिस्तान में बैठे कभी बाजार में बैठे एक दिन किसी ने पूछ लिया देख रहे थे देखने वाले कुछ दिन से कि कभी कब्रिस्तान जा रहे हैं पूरा दिन वहां गुजार देते हैं कभी बाजार में बैठते हैं पूरा दिन वहां गुजार देते हैं तो किसी ने बढ़ के पूछा बहलोल क्या कर रहे हो बहलोल ने क्या जवाब दिया कहने लगे अल्लाह की उसके बंदों से सुलह करा रहा अच्छा अब जवाब ऐसा अजीब था कि पूछने वाले ने एक मरतबा मुस्कुरा के पूछा तो क्या हुआ हो गई सुलह कहने लगे अल्लाह तो मान गया बंदे नहीं मानते बाजार में बैठे हैं ना तो कह रहे हैं अल्लाह तो मान गया बंदे नहीं मानते सुनने वाला सुनकर मुस्कुरा कर चला गया कुछ दिन के बाद देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं फिर आया आकर पूछता है बहलोल क्या कर रहे हो बहलोल ने फिर वही जवाब दिया अल्लाह की उसके बंदों से सुलह करा रहा हूं अब इसने फिर पूछा बहलोल क्या हुआ हो गई सुलह बहलोल क्या बताते है? मुस्कुरा के कहते हैं अब बंदे तो मान गए हैं कब्रिस्तान में है ना बंदे उनकी बात हो रही है अब बंदे तो मान गए हैं अब अल्लाह नहीं मान रहा कि वक्त निकल गया परवरदिगार आलम तौफीक दे कि मुझे और आपको ये बातें याद रहें इबानब आज का दिन जैसा कि आप सब जानती हैं ऐसे दो शहजादों से मंसूब है कि जब इनका नाम आता है तो इनकी माँ का नाम आता है हम और आप खुतिन हैं बार बार अपनी बहनों अपनी बच्चियों की खिदमत में अर्ज करती हूँ कि अपने औरत होने पर फख्र किया कीजिए परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको किंग मेकर बनाया है मेरी और आपकी आगोश कोई आम चीज़ नहीं है हमारी गोदियों में खुदा ने नबियों को पाला है हमारी गोदियों में आइम्मा पले हैं मुझे और आपको इंतज़ाम ये करना है कि मेरी और आपकी गोदी इतनी पाक हो जाए मेरी और आपकी आगोश इतनी पाक हो जाए कि इसमें इमाम जमाना के सिपाही पल सके बार बार अर्ज करती हूं कि बच्चियों की तरबियत पर खास ध्यान दीजिए यह बच्ची फकत एक बच्ची नहीं है नस्लों की अमीन बन सकती है एक बच्ची मैंने और आपने अगर एक बच्ची की तरबियत अच्छी तरह कर ली एक नस्ल की बका का जामिन बना दिया इस बच्ची को दिन सिखा दिया इस बच्ची की आगोश में जो बच्चे आएंगे ये माँ उन्हें दिन सिखाएगी परवरदिगार आलम तौफीक दे कि हम और आप जो परेशान होते हैं बेटे और बेटी के फर्क के लिए ये याद रखें कि इन बेटियों को खुदावंद आलम ने अपने हबीब के जरिए जो पैगाम पहुंचाया इन्हें बाकिया तो सालेहात कहा गया है ये वो नेकियां हैं जो पीछे रह जाती हैं जब मैं और आप गौर करते हैं तो समझ में आता है इसलिए कि ये बेटी हमारा आप जानते हैं माँ बाप जिंदा हो तभी बेटी माँ बाप को देखे बगैर जिंदा नहीं रहती है दुनिया के किसी कोने में बेटियां चली जाती हैं नज़रें फकत पीछे लगी रहती हैं मेरे माँ बाप कैसे हैं मेरी माँ कैसी है मेरा बाप कैसा है अच्छा माँ बाप दुनिया से चले जाए तो फिर भी बेटियां हैं जो भूलती नहीं हैं कोई अच्छी चीज पकाती हैं याद करती हैं हमारी माँ को ये चीज पसंद थी आइए फातहा दे देते हैं कोई जुमला किसी के मुंह से सुन ले हमारे बाबा ये जुमला कहा करते थे हमारे अब्बू ये जुमला कहा करते थे बेटियाँ कभी बाप को भूलती नहीं हैं माँ को भूलती नहीं हैं मैं और आप आप यकीन कीजिए दुख से कहना पड़ता है कि बदकिस्मत है इन खजानों की कदर नहीं जानते बेटियाँ औलाद का वो हिस्सा है कि जो खुदा ने अपने हबीब को दिया अगर बेटी से अच्छी कोई चीज होती तो खुदा अपने हबीब को बेटी दे बेटी के अलावा कुछ और दे देता खुदा ने अपने हबीब को बेटी दी है अच्छा अब बेटी का जिक्र आया हम जानते हैं कायनात में दो बेटियां ऐसी हैं जिन्हें ये एजाज मिला है कि एक बेटी को उम्मे अबीहा कहा गया दूसरी बेटी को जैन कहा गया जैन अब है अपने बाप की जीनत बेटी है आप गौर कीजिएगा जरा दुनिया में भी अगर हम किसी के लिए कह दें कि यह बेटी अपने बाप के लिए फख्र का बायस है बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने घर का नाम रोशन करने वाली बेटी है लेकिन जरा जैनब को देखिए तो सही किस बाप की जीनत है जैनब जैनब उस बाप की जीनत है जो लेसानुल्लाह भी है जो यदुल्लाह भी है जो उजन भी है जो नफ्सुल्लाह भी है वो अली इबन अभी तालिब की जिसकी एक एक अदा पर कुरान की आयतें कसीदा बनकर नाजिल होती हैं उस बाप की जीनत का नाम है जैनब फिर मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है कि इस बीबी का मकाम क्या है मैं और आप जब भी इस बीबी का मकाम बयान होता है सबसे पहले बीबी के मसाइब को याद करके गिरिया करते हैं बहुत मकाम है इस गिरिए का लेकिन बीबी के किरदार में सीखने के लिए जो कुछ है मुझे और आपको उसे सीखना है इसीलिए तो हमें याद दिलाया गया कि ये वो बीबी है जिसे आलमाय गैर मा कहा गया आप देखिए जैनब का मकाम आलमाय गैर ममा वो जिसे सिखाया नहीं है किसी ने फिर भी आलमा है ये वो बीबी है जिसे फकीह है आल मोहम्मद कहा गया है इस घराने में फ़कीह होना किसी बीबी का इस घराने में दीन को ऐसे जानना जैसे जानने का हक है इसीलिए तो अल्लामा मास्कानी मर हूं आल वो फरमाया करते थे कि अकुल जैनब मैं कहता हूं जैनब और तुम सुन लेते हो माँ अदरा का माँ जैनब तुम्हें मालूम ही क्या कि जैनब है कौन जैनब वो हस्ती है कि मैं और आप जान नहीं सकते इस का मकाम क्या है ऐसा ही नहीं है कि मैं और आप इस बीबी को शरीकतुल हुसैन कहते हैं वो हुसैन जो बाका दीन का बायस है अगर उसका साथ निभाया है किसी ने तो जैनब बिनते अली ने निभाया है इसलिए कि इस जैनब को परवर दिगार आलम ने वो सलाहियत दी थी कि मैं और आप अक्सर सुनते हैं कि दरबार यजीद ने में मलून ने जब मेरी बीबी की शान में गुस्ताखी की आप जानती हैं क्या जुमला फरमाया वो जुमला मैं कहना नहीं चाहती हूँ बीबी के शान शायान शान नहीं है वो जुमला सुनिए जो मेरी और आपकी बीबी ने कहा मेरी और आपकी बीबी ने फरमाया और राय तो इल्ला जमीला मैंने तो खूबसूरती के सिवा कुछ देखा ही नहीं रोने वालों वो बीबी जो बहत्तर की सोगवार है जो अपने अट्ठारह भाइयों को रोने के लिए तरसी हुई है वो बीबी जो कभी अपने अली अकबर के सीने में लगने वाली बर्छी का मातम करती है कभी अपने कासिम के टुकड़ों को शुमार कर कर, कर के रोती है वो बीबी जो कभी शशमाहे के गले में लगने वाले तीर पर रोती है इतनी मुसीबतें इतनी परेशानियाँ उसके बावजूद कैसा खूबसूरत जवाब है ऐसा जवाब फ़कत जैनब दे सकती है इसलिए कि जैनब ने करबला की ज़मीन पर बिखरे हुए लाशों में मुसीबत नहीं देखी थी जमाले इलाही देखा था जैनब ने करबला की सिसक्ती हुई लाशों में करबला के तड़पते हुए लाशों में जमाले इलाही का परताव देखा था इसीलिए जैनब ने पुकार कर कहा माओ राय तो इल्ला जमीला हमारा सलाम हो इस बीबी की अजमत को हमारा सलाम हो बिनते को हमारा सलाम हो बिनते फातिमा को और रोने वालो आज हम और आप इसलिए भी ज्यादा दुखी है कि दुनिया में किसी का बच्चा दुनिया से चला जाए तो सबसे ज्यादा मां रोती नजर आती है और मैं और आप एक दूसरे से कहते हैं मां है ना सब्र कैसे आए माँ है ना कैसे ना रोए अरे जैनब को देखिए दो लाल कुर्बान किए जैनब ने आंसू नहीं बहाए हैं रोने वालों इसीलिए हाथ जोड़ कर कहती हूं आए आकाजादी आप नहीं रोई अपने शहजादों को आकाजादी आकर देखिए हम आपकी कनीजें रोने वालों हर बच्चा माँ को प्यारा होता है हमने सुना है बच्चा कैसा भी हो माँ की आंख का तारा होता है लेकिन रोने वालों बच्चे और वो भी ओनो मोहम्मद जैसे बच्चे तारीख कहती है इतने खूबसूरत बच्चे थे कि वाकया करबला के बाद वो कातिल खुद कहते थे ए अमीर हमने इतने खूबसूरत बच्चे नहीं देखे थे हमारी फौज के सिपाही आगे बढ़ बढ़ कर जाते थे ताकि उन बच्चों के चेहरों की जियारत कर ले रोने वालों आप जानती हैं कासिम के चेहरे को तो छुपा दिया था मेरे आका ने लेकिन ओनो मोहम्मद के चेहरे तो खुले थे दुनिया देख रही थी अली और फातिमा के चांद कभी मैमना पर है कभी मैसरा पर है अरे ऐसी जंग की थी कि अली याद आ गए थे अली के नवासों ने माँ से जो वादा किया था वो वादा पूरा किया और रोने वालों वो लम्हा या जब दोनों शहजादे जीन से जमीन पर आए हैं अरे जब पहुंचे हैं इमाम आली मकाम अब्बास ने बढ़ के सर को एक के जानू पर रखा दूसरे के सर को इमाम आली मकाम ने जानू पर रखा अब जानती है एक बच्चे के जिसम में अभी रमक बाकी थी जान की वो बच्चा तड़प कर कहता है मामू जाओ अम्मा से कहिएगा हमारे होंठ देख ले अभी प्यास से खुश्क है हमारी अम्मा से कहिएगा हम दरिया पर जरूर गए थे लेकिन हमने पानी नहीं पिया हम जानते हैं अभी सकीना प्यासी है हम जानते हैं अभी अली असगर प्यासा है आज को मलल्ला आज को मल मेरी बीबी आपका गिरिया कबूल फरमाए मेरी बीबी आपके आंसुओं का यह नजराना कबूल फरमाए रोने वालों जैनब नहीं रोई अच्छा रोजे आशूर नहीं रोई लेकिन 11 मुहर्रम की सुबह जब ये लुटा हुआ काफिला चला है तारीख कहती है एक मर्तबा हर बीबी ने अपने आप को नाके से गिरा दिया था अपने अपने शहीद से लिपटी अरे लाशाय बेसर से लिपटी हर बीबी बैन कर रही थी लेकिन हमीद इबन मुस्लिम कहता है मैंने देखा दो लाशें ऐसे हैं। मैंने बढ़ के पूछा ए काफले वालों अरे क्या इनकी मां रात खैमों में जलकर मर गई इन बच्चों के लाशों पर कोई क्यों नहीं रोता अल्लाह रोने वालों जैनब नहीं रोई करबला में नहीं रोई कोफे में नहीं रोई अपने नौने हालों को नहीं रोई भाई को याद करके रोई अली अकबर को याद करके रोई कासिम को याद करके रोई अरे जब रिहाई मिली है ना जब बीबियां पुरसे को आई है सरहाए शोहदाए उस वक्त भी रिवायत कहती है दो छा ज़ैनब नहीं रोई लेकिन रोने वालों जानना चाहे